बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष सुरेश कुमार भारती ने बुधवार को अंबेडकर चौक पर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। महानगर अध्यक्ष सुरेश कुमार भारती ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। इस दौरान महानगर अध्यक्ष सुरेश कुमार भारती, उपाध्यक्ष आलोक मोदी, महासचिव राकेश मौर्य, सचिव ओम नारायण पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष सुरेश कुमार भारती ने बताया, सुरेश कुमार भारती, महानगर अध्यक्ष गोरखपुर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहीं, हम सब की मुखिया आयरन लेडी बहन सुश्री मायावती जी के निर्देश के क्रम में हमको गोरखपुर महानगर की जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में दी गई है। हमारे साथ उपाध्यक्ष के तौर पर आलोक मोदी जी और महासचिव के पद पे राकेश मौर्य साहब और सचिव महानगर के पद पे आदरणीय ओम नारायण पांडे साहब और महानगर कोषाध्यक्ष के पद पे सिराजुद्दीन अंसारी और भोला भाई को नियुक्त किया गया है। आने वाले 2022 में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए जी जान लगाने के लिए आए हैं और एक एक घर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर के घर हम जा करके आज की वर्तमान सरकार की आताताई नीतियों के खिलाफ हम कार्यकर्ताओं को, वोटरों को तैयार करेंगे। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग इकट्ठा होकर के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए आइए और हम लोग एक ऐसी सरकार बनाएं जो भय मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और जहां पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से हम लोग सरकार बनाएं। जय भीम, जय भारत। अध्यक्ष जी, महानगर में बीएसपी सक्रिय नहीं है, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? बहुजन समाज पार्टी आज से नहीं, जब से बनी है, बहुजन समाज पार्टी अपने नीतियों के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बल पर हमेशा कार्य करने के लिए अग्रसर रहती है। विगत कुछ दिनों से हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमें देश और प्रदेश में ऐसा नेतृत्व मिल गया और उसका ऐसा भाग्य देखिए कि हम लोग कोरोना काल के चपेट में आने के नाते कुछ शिथिलताएँ आई जरूर थी, लेकिन जिस तरह से अब कोरोना काल का खत्मा हो रहा है, हम सब सक्रिय होकर के आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे।